हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर, प्लेन मिरर। तो आज प्लेन मिरर में हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कैसे प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है। तो पहला पॉइंट इमेज, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए पहला क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। सपोज करो कि ये एक मिरर है, ये मिरर है और यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है ओ, जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है? डी डिस्टेंस पे है। तो ये इमेज कैसे फॉर्म करेगा? तो सपोज करो एक रेज यहाँ से निकली और यहाँ लास्ट टिप तक गई और ऐसे निकल गई। तो अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें और ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। इसी तरह ये यहाँ पे एक रेज जाएगा और अगर ये थीटा लें तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो अगर जो भी यहाँ पे यहाँ से कोई भी जो भी देखेगा उसको रेज यहाँ से आती हुई नहीं दिखेगी, उसको रेज कहीं यहाँ से आती दिखेगी। तो इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको भी एक्सटेंड करते हैं और ये जो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वहाँ से हमें क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट आती हुई दिख रही है। यानी कि जो यहाँ से देखेगा, यहाँ से जो कोई भी देखेगा आई, उसको रेज यहाँ से आती हुई दिखेगी या फिर हम कहें इमेज यहाँ पे बनेगी, इमेज यहाँ पे बनेगी। तो अब आते हैं, तो देखो जब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो हमें जो है ट्रायंगल के लॉ आने चाहिए, यानी कि ट्रायंगल के रेशियोज़ के बारे में पता होने चाहिए, डिफरेंट ट्रायंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम सिंपल सा ट्रायंगल की सिमिलैरिटी को लेके चलेंगे। अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो उनके रेशियोज़ जो है सेम होते हैं। जैसे कि ये रेशियो और इस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो सेम होगा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का और ये और डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। यानी कि सिमिलर एंगल में जो सिमिलर एज होंगे उसके रेशियोज सेम होंगे। अब देखो अगर ये डी है तो इसको डी डैश ले लो। अगर आपको नाइन्थ का मैथ नहीं पता है तो यहाँ से हम देखेंगे, अगर हम इसको ओ ए ले ले और ये आई ए ले ले तो हमें पता क्या चलता है। या मान लो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट था और ये सेंटर ले ले सी, तो ये रेशियो ले ले ए सी अपॉन डी बराबर ए सी अपॉन डी डैश। ए सी ने ए सी को मारा तो डी बराबर डी डैश, यहाँ से पता चल गया। तो हमें ये पता चला कि इमेज जितनी डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट की है उतने ही डिस्टेंस में वो मिरर के अंदर बनेगा। मिरर के अंदर हमें ये दिखाई देगा कि मिरर के अंदर उतने ही दूरी पे वो है। तो ये हो गया है, हम नोट कर लें। तो यही हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम एक पहले छोटा सा एग्जांपल लेंगे इजी वाला, फिर इसमें एक टफ वाला लेके और हर तरह की वैरायटीज़ को हम कवर कर लेंगे। तो ये हो गया, इसको मिटाते हैं और चलते हैं पहला एग्जांपल। सपोज करो कि एक मिरर है, सबूत क्या करना है? मिरर है और मिरर जो है एक हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे इंक्लाइन है, ऐसे रखा है। ये एक्स है, ये वाई है। अब यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे हमारा क्या है? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इमेज का हमें कोऑर्डिनेशन बताना है कि इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा।
इमेज कहाँ पे बनेगी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ऑप्शन ए बी सी डी 5005 10010. तो देखते हैं, ये पाँच है, ये पाँच है। तो हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट था उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, मिरर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे उतनी ही दूरी पे इमेज बना है। तो इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ से ये 90 है, ये 45 है, तो ये अपने आप से 45 हो जाएगा। ये किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल के बीच में, एक ट्राइंगल में 180 का एंगल होता है, 90 ये ले लिया, 45 ये ले लिया, तो 45 इसका बचा। हमें पता है कि अब देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो ये हमें पता है ये 90 है, तो हम इसको बनाते हैं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है वो हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये 45 है, तो ये 45 हो गया। मान लो इसको थीटा 2 मान लें और इसको थीटा 1 मान लें। तो अब देखो ये बेस है, तो बेस के लिए कॉस क्या होता है? कॉस थीटा 1 बराबर बेस अपान हाइपोटेनस, तो बी बराबर, ये बी का क्या हो जाएगा? एच कॉस थीटा 1। उसी तरह पी साइन थीटा 1 बराबर पी अपान एच, तो पी बराबर साइन थीटा 1 इंटू एच। तो ये वाली डिस्टेंस जो हो जाएगी एच साइन थीटा 1। अब ये एंगल लेंगे तो हमने देखो जो जो एंगल है उस लाइन पे कॉस आता है और उस अपोजिट पे साइन आता है। अगर हम ये एंगल ले लें तो ये कॉस हो जाएगा, तो इसकी एक और वैल्यू हो सकती है एच कॉस थीटा 2। हमने इस बार क्या किया, एंगल को चेंज कर दिया, तो हमारा कॉस चेंज हो गया। और इसके लिए बी बराबर एच साइन थीटा 2। कन्फ्यूज मत होइए, तो ये कन्फ्यूज कर रहा है तो इसको मिटका दें, लेकिन अगर आपको समझ गए हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इस 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई 5 cos 45। तो इतने ही डिस्टेंस पे, इतने ही डिस्टेंस पे क्या है हमारा, क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 sin 45। तो हमारा कुछ इमेज ऐसे बनेगा, तो ये 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 meter। तो 45 एक स्पेशल एंगल था, तो अगर 45 एंगल पे कोई इंक्लाइन हो तो जितने डिस्टेंस पे एक्स पे होता है वही वाई पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर, बी आंसर, यानी इमेज का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 to 5। ये 5 cos 45 हो गया, और ये सेम था तो ये इसको होना ही पड़ेगा उतना। ये साइन है, 5 sin 45 है, ये 5 cos 45 है, तो इसको इसके बराबर होना पड़ेगा। तो ये बहुत आसान था, चलो दूसरा करते हैं, इसी में इसको नोट कर लीजिए। मान लो 45 पे फिर हो,
लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ पे 5 मीटर पे वहीं पे रखा हो, मतलब वहीं पे ऑब्जेक्ट हो लेकिन मिरर अब ऐसे हो, तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे? तो देखो, इसको दो टेक्निक हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है और एक बेसिक नियम के हिसाब से करेंगे। ये यहाँ पे कर देते हैं, सही रहेगा। मान लो एक छोटा सा मिरर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी डी है। अब देखो ये लास्ट पॉइंट है, तो सपोज करो कि एक रेज गई और लास्ट से इधर निकल गई, ये थीटा, ये थीटा, ये कौन सा थीटा हो जाएगा। एक दूसरी रे निकली और यहाँ एकदम ऊपर वाले टिप से ऐसे निकल गई, ये थीटा वन ले लो, थीटा थीटा था, थीटा वन ले लिया। अब देखो तो इसको यहाँ पे जो भी आई है उसको इमेज यहाँ कहीं से आती हुई दिखेगी, तो इसको हम बैकवर्ड करते हैं, यहाँ कहीं पे कटेगी, यहाँ पे, तो ये थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, थीटा टू हो जाएगा। अब देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, अगर इसको डी डैश मान लें, ये वाला ट्रायंगल इस गन के सिमिलर होगा, दोनों के लिए ये सेम है, तो ये और ये सेम होगा, तो यहाँ पे भी डी डी डैश के बराबर हो गया। क्या यहाँ पे मिरर था? नहीं, फिर भी इमेज कहाँ बनी? यहाँ पे बनी। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है और मिरर कहाँ पे रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट से उतने ही परपेंडिकुलर दूरी पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो इसको दूसरा तरीका है करने का, इसको एक्सटेंड कर लो, अब तो सीधे सीधे बन जाएगा। और पहला तरीका था क्या था, ट्रायंगल वाला। हम बार बार ट्रायंगल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आगे आपको ट्रायंगल ही बनाना होगा, तो इसके लिए कर लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक यूज कर लेते हैं कि इसको एक्सटेंड कर ले और मान लें कि यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतने ही डिस्टेंस पे ये बनेगा, उतने ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा, ये बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। तो इस बार आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 - 5। तो मान लो ये माइनस 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 माइनस, तो फिर वही आंसर 0 - 5, 0 - 5। तो ऐसे कर लेंगे, अगर जहाँ पे इमेज नहीं, जहाँ पे मिरर नहीं है वहाँ पे इमेज, मिरर को एक्सटेंड करके इमेज बना लेंगे। तो ये हो गया, और ऐसे हमने आपको समझा दिया कि ऐसा कोई साट्रिक नहीं है, ऐसा रियल में होता है। अब ये तो 45 डिग्री का था, एक डिफरेंट एंगल का कर लें तो ये यहीं पे समाप्त, एक कौन से एंगल का कर लें, डिफरेंट एंगल का कर लें तो हमारा समाप्त हो जाएगा। डिफरेंट एंगल का मतलब कि मान लो हम 30 डिग्री ले लें, यही क्वेश्चन 30 डिग्री ले ले और इस बार इसको हम 2 मीटर ले ले, ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2 मीटर पे है, तो ऑब्जेक्ट से प्ले मिरर पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करो, ये तो 90 हो गया, ये 30 है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस ये हो गया, ये 60 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 cos 60, मतलब 1 मीटर।
ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे कुछ बन रहा है, ये 30, ये 60 और ये 90 और ये 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 cos 30 मतलब अंडर रूट 3 बाई 2 इंटू 2 अंडर रूट 3, और ये क्या हो जाएगा cos 60, cos 60 ले लोगे तो 2 cos 60 बराबर 1 बटा 2 गुणे 2, ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ से 1 मीटर दूरी पे इमेज बनेगा, ये 1 मीटर हो जाएगा, और ये हमारा क्या है आया है अंडर रूट 3 होगा। तो यहाँ से ड्रा करेंगे, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और ये कितना रहेगा 30। ये दोनों मिला के हो जाएंगे 60 60 60, तो ये टोटल कितना बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 2 मीटर, क्या हो जाएगी 2 मीटर। अब इसका हमें क्या निकालना होगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये वाला जो पार्ट होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, अगर हम ये ले लें, अब हम कौन सा एंगल देखेंगे, ये एंगल, ये एंगल, ये ट्रायंगल देखेंगे, हमें ये चाहिए, वो कैसे निकलेगा, अगर हम ये 30 एंगल ले तो ये जो आ रहा है मतलब 30 का ये वाला कंपोनेंट वाई एक्सिस हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, 2 cos 30 नहीं, 2 मीटर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये तो 1 मीटर आ गया है, तो इसको कैसे निकालेंगे, अगर हम इसका ये एक्स वाला पार्ट है, अगर हम इसको करें ये साइन, ये 90 हो गया, यहाँ पे यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें इस पर ऐसे कुछ करके, ऐसे, तो ये टोटल हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 30। अब देखो ये, यानी इसका मतलब ये 2 cos 2 साइन 60, 2 cos 60,
ये वाला वाई है तो ये एंगल 30 है, ये हो जाएगा साइन 30 और ये हो जाएगा कॉस 30, क्योंकि हमारा ट्रायंगल जो है ये है, ये है और ये है, ये 30 था, ये 30 था, तो ये 60 हो गया, 90 हो गया, 30 हो गया। तो ऐसे यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये वाला हो जाएगा 2 cos 60 और ये हो जाएगा 2 sin 60 और इसका ये अपोजिट। तो ये इसका सबसे टफ क्वेश्चन था। अब आता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, किसका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, तो मुझे नहीं लगता कि वीडियो कंटिन्यू करना सही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।